हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम काबुली चने से छोला बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोला बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी बनके तैयार होता है, इस तरीके से जरूर बनाएं। देखिए, हमने चने को, जो बड़ा वाला चना होता है काबुली चना, इसको हमने उबाल के रख लिया है। हमने उबाला, अभी गर्म है। और हमने ये ले रखी है 3 हमने लौंग, छोटी इलायची, और हमने 2 टुकड़े दालचीनी का, हमने एक टमाटर ले लिया है, और हमने प्याज को काट के तैयार कर लिया। अब लहसुन और हरी मिर्च का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। टमाटर को हम बारीक काट लेंगे। देखिए, चलिए अब इसे, प्याज को हम पहले भूनना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो रही है। इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। देखिए, इसी में हम कढ़ाई में ही छोले बनाएंगे। देखिए, अब इससे ज्यादा हमें तेल नहीं डालना है। हमने 2 बड़ा चम्मच हमने तेल उसके अनुसार हमने इसमें डाल दिया है। अब तेल को गर्म हो जाने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे। देखिए, तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं। देखिए, हमने जीरा ले रखा है और हमने ये हींग डाल दिया। हींग डाल देने से स्वाद बढ़ जाता है, हींग बहुत ही फायदा करता है, इसलिए हींग जरूर डालें। और इसमें देखिए, हमने ये जो दालचीनी और लौंग हमने ले रखी है, देखिए ये छोटी इलायची, इसका मुंह खोल देते हैं, बिना मुंह खोले ऐसे कर देना, उसके बाद से डालना है। अब इस समय हम प्याज भी डाल देते हैं भूनने के लिए। देखिए, हम प्याज को डाल के कम पे ही रखे हमें भूनना है, ज्यादा तेज करके नहीं भूनना है, नहीं तो क्या होगा कि हम छोले बनाएंगे तो छोले का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्याज को अच्छे से कम पे रख के ही भूनना है बनाने में। देखिए, अब इसे हमने भूनने के लिए प्याज को रख दिया है। देखिए, प्याज को भूनते हुए कम पे हमने इसे भूना है, 5 मिनट हो गया है प्याज को भूनते हुए। आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा दिख रहा है। इस समय हम डाल देंगे हमने जो कूट लिया हरी मिर्च, और हमने लहसुन जो हमने कूट के ले लिया है, ठीक है, और इसे हम डाल देते हैं। देखिए, हमने इसे भी डाल दिया साथ में टमाटर के साथ। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि टमाटर को हमें गलाना है अच्छे से। टमाटर नमक डाल देंगे तो अच्छे से टमाटर गल जाएगा। इस तरीके से बनाने से छोले का स्वाद जो है बहुत बढ़ जाता है। देखिए, अब इस समय थोड़ा टमाटर डाल देते हैं, इस समय थोड़ा नमक डाल देते हैं इसमें हम। देखिए, इस समय हम इसमें नमक डाल देते हैं। देखिए, हमने नमक डाल दिया, और नमक डाल के हम ऐसे ही टमाटर को अच्छे से गला के भून के तैयार करेंगे। इस तरीके से टमाटर को भूनेंगे, छोले का जो स्वाद है बहुत बढ़ जाता है। इस तरीके से जरूर बनाएं। हमने और वीडियो डाल रखा है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। देखिए, इसे हम कम पे ही ऐसे ही करके हम इसे भून के तैयार करेंगे। टमाटर और हमने नमक डाला है तो इसलिए टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। देखिए, टमाटर गल रहे हैं कैसे। अभी इसमें हम मसाले डाल देते हैं, मसाले भी साथ में भून जाएंगे। हमने ये जीरा पाउडर और हमने ये धनिया पाउडर ले लिया है, और हल्दी डाल देते हैं इसमें। देखिए, ये हमने हल्दी डाल दिया इसमें। अब इसमें हम गरम मसाला भी डाल देंगे, साथ साथ गरम मसाला भी भून जाएगा। देखिए, इसे अच्छे से हमने मसालों को चला देना है। इस समय हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। देखिए, इसमें हमने ये मसाला ले रखा है, गरम मसाला जो होता है, हमने गरम मसाला डाल दिया। अब अच्छे से साथ में इसको हमें भून के तैयार कर लेना है मसालों को, साथ में टमाटर में और जो हमने मिर्च वगैरह प्याज डाले हैं, हमने जो डाला है, अब साथ में इसे भी हम ऐसे ही भून के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप छोले बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट छोले बन के तैयार होंगे। कम समय भी लगेगा और जल्दी बन के तैयार भी हो जाएगा। देखिए, हमने चने को जो हमने उबाल लिया है, इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं छोले। देखिए, ऐसे ही चला के हमें मसालों को ऐसे ही भून के तैयार करना है। कम पे रख के हम इसे भूनेंगे। कम पे रख के भूनने से ये होता है कि सब्जी वगैरह जो छोले, जो चीज आप बना रहे हैं, उसका स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाता है, क्योंकि वो कम पे रख के भून के आप मसाले तैयार करेंगे, उसकी वजह से स्वाद ज्यादा बढ़ता है सब्जियों का। देखिए, हमने कम पे रख के ही इसे भून के तैयार कर रहे हैं। देखिए, अब इसे ऐसे ही 5 मिनट और हम कम पे रख के ही भूनेंगे, ऐसे ही 5 मिनट तक। देखिए, हमने इसे
5 मिनट मसाले को हमने भून लिया है। आप देख सकते हैं मसाले कैसे भून चुके हैं, तेल अलग होने लगा है मसालों से। जब मसाले अच्छे से भून जाते हैं तो क्या होता है कि इसका जो तेल है अलग हो जाता है। देखिए बहुत ही अच्छे से मसाले भून के तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। मसालों के साथ टमाटर प्याज वगैरह जब भूनता है पूरा घर महकने लगता है। इस तरीके से आप जरूर बनाएं। देखिए आप देख सकते हैं कैसे टमाटर गल गया है। हमने इसकी थोड़ी थोड़ी सी ऐसे ही चम्मच से इसकी कुटाई कर देते हैं। अब इस समय हम डालेंगे इसमें पानी। देखिए ये मसाले भून के तैयार हो गए हैं, इस समय हम पानी डाल देते हैं। देखिए हमने एक पाव के अनुसार हमने ये पानी ले लिया, ये ग्लास जो है एक पाव की है। देखिए अब इसे अच्छे से हमें चला देना है। अभी हमें छोले को नहीं डालना है, हम जो चने को हमने जो उबाल के रखा है उसे हम अभी नहीं डालेंगे। जब अच्छे से पानी में उबाल आने लगेगा, जो मसाले हमने रखे हैं इसमें हल्का सा और पानी डाल देते हैं, जब अच्छे से उबाल आने लगेगा उसके बाद हम छोले डालेंगे इसमें। देखिए हमने एक कप के अनुसार और हमने पानी ले रखा है, हमने डाल दिया है। अब इसे हम ढक दे रहे हैं उबाल आने तक, तब हम चने डालेंगे। देखिए अब इसे हम ढक दे रहे हैं ऐसे ही। देखिए ग्रेवी में उबाल आने लगा है। अब इसमें हम जो हम छोले को उबाल मतलब चने को हमने उबाल के जो रखा है अब इसमें हम डाल देते हैं इसको। देखिए इसे डाल के अब इसे अच्छे से हम चला देते हैं। देखिए अब इसे हमने अच्छे से चला दिया। अब इसे हम ढक देंगे, ढक के हम 10 मिनट तक इसे अच्छे से ऐसे ही पका के तैयार करेंगे। देखिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट और। अब इसे हम ऐसे ही ढक देंगे इसे। देखिए छोले को हम बीच बीच में चला देते हैं। अब देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो गया है। इसे बीच बीच में हमने चलाते हुए छोले को हमने तैयार किया। हमने देखिए 1.5 ग्लास हमने पानी डाला था लमसम। अब देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसे थोड़ी देर और रखेंगे ऐसे ही, उसके बाद डालेंगे हरा धनिया। देखिए अब इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। देखिए हमने ये हरा धनिया ले रखा है, हमने हरा धनिया काट के ले रखा है। अब इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया। अब इसे अच्छे से चला देते हैं। छोला तैयार हो चुका है, बहुत कम समय लगता है, हमने उबाल के बनाया। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए छोला हमने तैयार कर दिया, पूरे 15 मिनट लगा है छोला बनने में। छोला तैयार हो गया है।